Hi everyone, today I am back with a new topic of the introductory part, and the topic is photography. And the first one question is. डू यू लाइक टू टेक फ़ोटोग्राफ्स और वाई क्या आपको अच्छा लगता है कैप्चर करना फोटोग्राफ्स को और क्यों एंड द आंसर इज़ येस आई लव फोटोग्राफी मुझे फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज इट्स अ गुड ट्रे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा तरीका है टू कैप्चर द मेमोरीज मेमोरीज को कैप्चर करने का आफ्टर कैप्चरिंग द फ़ोटोज़ फ़ोटोज़ को क्लिक करने के बाद आई अपलोड दोज ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट मैं अपलोड करता हूँ उनको अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर लेटर ऑन बाद में वॉचिंग दोज़ फोटोज़ यूजलिफ फिल्म विद जॉय उन फोटोज को बाद में देखना ज़्यादातर मुझको काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है एंड रिमाइंड मी ऑफ दैट गुड टाइम्स आई हैड और मुझको उस टाइम के बारे में याद दिलवाता है अच्छे टाइम के बारे में जो मैंने स्पेंड किया एंड द सेविन वन क्वेश्चन इज टू यू प्रेफर टू टेक फोटोज योर सेल्फ और टू हैव अदर पीपल टेक फोटोज एंड वाई क्या आपको अपने आप पिक्स को क्लिक करना अच्छा लगता है या फिर कोई और पर्सन पिक्स क्लिक करे ये आपको अच्छा लगता है एंड द आंसर इज डेफिनेटली आई प्रेफर टेकिंग फोटोज माई सेल्फ मैं खुद ही प्रेफर करता हूँ पिक्स को क्लिक करना एक्चुअली आई एम क्वाइट चूज ही अबाउट द फोटोज मैं काफ़ी ज़्यादा चूज ही हूँ फोटोज़ को लेकर दैट आई टेक एंड द पोस्ट और जो मैं क्लिक करता हूँ और जो मैं पोस्ट करता हूँ उन पिक्स को लेकर दैट्स वाई आई यूसली टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ इसीलिए ज़्यादातर पिक्स को क्लिक करने वाली रिस्पॉसिबिलिटी मैं अपने पर ही लेता हूँ द थर्ड वन क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैव यू लाइक द टेकिंग फोटोग्राफ्स कितने टाइम से आपको अच्छा लगता है पिक्स को क्लिक करना एंड द आंसर इज आई हैव लाइक द टेकिंग फोटोग्राफ्स सिंस फाइव टू सिक्स ईयर्स अगो पाँच से छः साल पहले से मुझको क्या है अच्छा लगता है पिक्स को क्लिक करना एंड इट वॉज जस्ट ड्यूड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ सल्फिलार और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पर इन्फ्लुएंस हुआ किसका मेरी फ्रेंड का जो कि एक सेल्फी लवर है तो उसको देखकर मुझे भी पिक्स को क्लिक करना अच्छा लगने लगा एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज हाउ और व्हाई डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी कैसे और क्यों आप इंटरेस्टेड हुए फोटोग्राफी में एंड द आंसर इज एज़ आई ऑलरेडी मैंशन जैसे मैंने पहले भी मैंशन किया है दैट आई बिकेम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड मीन्स की मेरा इंट्रस्ट ज़्यादा बन गया है फोटोग्राफी में ड्यू टू माई फ्रेंड मेरी फ्रेंड की वजह से शी आर अ कैमरा उसके पास कैमरा था एंड शी यूज टू अपलोड हर फोटोज ऑन सोशल मीडिया और वो ज़्यादातर अपनी पिक्स को अपलोड करती रहती थी सोशल मीडिया पर आई ऑल्सो अडोप्टड द हैबिट ऑफ क्लिकिंग फोटोज़ फ्राम हर मैंने भी ये अडॉप्ट कर ली पिक्स को क्लिक करने वाली हैबिट उससे एंड द फिफ क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डू यू टेक फोटोग्राफ्स कितनी कुबार या फिर कितने टाइम के बाद आप फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हो एंड अनाउंसर इज़ वन आवर आई गो एनीयर जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ और समटाइम्स और कभी कभार एट होम आई क्लिक द फोटोज कभी कभार घर पर ही पिक्स को क्लिक करता हूँ सो इट मीन्स आई यूजली टेक फोटोग्राफ्स एट ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस तो इसका मतलब है कि मैं हर रोज़ डेली बेसिस पर ही पिक्चर्स को कैप्चर करता हूँ क्लिक करता हूँ एंड दिक्स वन क्वेश्चन इज़ इन वट सिचुएशन डू यू टेक फोटोग्राफ्स कौन सी सिचुएशन में आप पिक्स को क्लिक करते हो

एंड द सेवन्थ वन क्वेश्चन इज वट काइंडोटोज़ डू यू लाइक टू टेक और वाई कौन सी फ़ोटोज़ आपको अच्छी लगती है क्लिक करना और क्यों एंड आंसर इज आई लाइक टू टेक द फ़ोटोज ऑफ ब्यूटिफुल सीनरीज ब्यूटिफुल सीनरीज़ की फ़ोटो जो है क्लिक करना मुझको काफ़ी अच्छा लगता है आई लुक स्टनिंग एंड कैन ऑल्सो भी कैप्ट ऑन माई स्टडी डेस्क क्योंकि वो सीनरीज जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है और उनको रखा भी जा सकता है मेरे स्टडी डेस्क पर इट विल इन्हांस द ब्यूटी ऑफ माई रूम और ये मेरी रूम की ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगी अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा आई ऑल्सो लाइक टू टिक फोटोज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अलावा मुझक जो है पिक्स क्लिक करना अच्छा लगता है प्लांट्स की और एनिमल्स की थ वन क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी रीज़न बता दिया कि क्यों और किस तरह की पिक्स को हमको क्लिक करना अच्छा लगता है एंड द एर्थ वन क्वेश्चन इज डू यू प्रेफर टू टेक पिक्चर्स ऑफ पीपल और ऑफ सीनरी क्या आपको अच्छा लगता है पिक्चर्स को क्लिक करना लोगों की या फिर सीनरी की एंड आंसर इज मोस्ट ऑफ़ द टाइम द फोटोज ऑफ सीनरीज बट समाइम्स टू कैप्चर द फोटोज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रेलेटिव आर ऑल्सो प्रेफर्ड बाई मी ज़्यादातर तो, तो मुझको सीनरीज की पिक्स क्लिक करना अच्छा लगता है मगर कभी कभार फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की भी पिक्स को क्लिक करना मेरे द्वारा प्रेफर किया जाता है एंड द नाइन्थ वन क्वेश्चन इज़ हु डू यू टेक फोटोज ऑफ किस पर्सन की या किस चीज़ों की आप पिक्स क्लिक करते हो एंड द आंसर इज़ आई लाइक टू टेक फ़ोटोज़ ऑफ़ डिफरेंट ब्यूटिफुल लोकेशन फ्रेंड्स रिलेटिवस फैमिली मेम्बर्स एनिमल्स एंड कैट एंड माई कैट एक्सेट्रा डिफरेंट लोकेशंस पर मेरे फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की फैमिली मेम्बर्स की और एनिमल्स की और मेरी कैट की पिक क्लिक करना मुझको अच्छा लगता है एंड द टेंथ वन क्वेश्चन इज हाउ डू यू कीप योअर फोटोज़ कैसे आप अपनी फोटोज़ को रखते हो एंड आंसर इज़ आई यूजली पुट दैम इन टू माई फोटो एल्बम एंड कैटेगराइज दम इन एंड अल्फ़ाबैटिक आर्डर मैं ज़्यादातर उनको अपनी फोटो एल्बम में रखता हूँ और उनको कैटेगराइज कर लेता हूँ ऑर्डर के अकॉर्डिंग समटाइम्स आई गेट दैम प्रिंटेड और कभी कबार पिक्स को प्रिंटेड भी करवा लेता हूँ एंड द इलाव क्वेश्चन इज़ डू यू कीप योर फोटोज़ ऑन योर कंप्यूटर क्या आप अपनी फोटोज़ को कंप्यूटर में रखते हो एंड आंसर इज यस आई स्टोर माई पिक्चर्स ऑन माई कंप्यूटर और ऑन द क्लाउड और ऑन एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस कभी कभार एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस पर क्लाउड पर और कंप्यूटर में भी सेव कर लेता हूँ Actually it depends upon how I need them in future. ये depend करता है कि किस तरह से मुझको pics future में चाहिए होती हैं And the 12th one question is are there any photos on the walls of your house? क्या आपके घर की walls पर कोई photos हैं And the answer is yes. I vividly remember that some times ago I purchased a photo frame from Jaipur. कि कुछ time पहले मैंने photo frame जो था purchase किया था buy किया था जयपुर से वो मुझको अच्छे से याद है एंड इन विच आई हैड फ्रेम्ड माई फैमिली फ़ोटो जिसमें मैंने फ्रेम की हुई है मेरी फैमिली फ़ोटो एंड दैट इज़ इन आर लिविंग रूम और वो फोटो जो है हमारे लिविंग रूम में है अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा देर आर फोटोज ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स दैट आर क्लिकड ऑन स्पेशल ओकेशन सच एज बर्थडेज मैरेजिज एंड अदर फंक्शंस एक्सेट्रा मेरे रूम की जहाँ फिर घर की वॉल्स पर जो है फैमिली मेम्बर्स की भी फोटो हैं जो क्लिक की गई हैं स्पेशल ओकेशन पर जैसे कि बर्थडेज पर मैरेजेस पर और अदर फंक्शन पर एंड दर्टीन क्वेश्चन इज डो यू फ्रेम और हैव यू फ्रेम एनी ऑफ यूर फोटोज़ क्या आपने फ्रेम की हुई अपनी कोई फोटो इफ़ यस हाँ विच कौन सी और क्यों एंड आंसर इज एक्चुअली आई यूजअली डोंट फ्रेम द फोटोज मैं ज़्यादातर फोटोज़ को फ्रेम नहीं करता बट टू ईयर्स अगो मगर दो साल पहले आई फ्रेम द स्टनिंग पिक्चर ऑफ माई होल फैमिली टू गिफ्ट टू माई सिस्टर ऑन हर मैरिज मैंने अपनी फैमिली की जो काफ़ी अच्छी दिखती थी वो फोटो को फ्रेम करवाया गिफ्ट देने के लिए अपनी सिस्टर को उसकी मैरिज पर एंड द फोर्टीथ वन क्वेश्चन इज डू यू प्राफर टू सेंड फोटो कार्ड टू पीपल आर टू सेंड फोटोज देट यू टुक yourself सेल्फ क्या आप लोगों को फोटो कार्ड से सेंड करना पसंद करते हो या फिर फोटोज़ को सेंड करना पसंद करते हो जो आप ख़ुद क्लिक करते हो एंड आंसर इज आई यूज टू सेंड पोस्ट कार्ड्स टू फ्रेंड्स पैक इन टाइम मीन्स पास्ट में मैं अपने फ्रेंड्स को ज़्यादातर क्या है पोस्ट कार्ड से ही सेंड करता था बट नाउ आई प्रेफर सेंडिंग इमेज मगर अब मैं प्रेफर करता हूँ इमेज को सेंड करना दैट आई हैव क्लिक्ड माई सेल्फ जो मैं खुद से क्लिक करता हूँ दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि इट एड्स द पर्सनल टच ये पर्सनल टच को ऐड करता है एंड आई कैन शोकेस माय फोटोग्राफी स्किल्स टू और इस तरीके से मैं लोगों को अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के ऊपर दिखा सकता हूँ एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन लाइक इट शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ थैंक यू